नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का घरेलू नुस्खे में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय आमतौर पर केवल दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट पेस्ट की सफाई के अलावा आपके बहुत काम आ सकता है अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर हमारी ये वीडियो देखिए अगर त्वचा का कोई भाग जल गया है और उसकी जलन कम नहीं हो रही है तो टूथपेस्ट एक बहुत अच्छा विकल्प है इसे जले हुए स्थान पर लगाने से जलन कम होती है और फोफले भी नहीं पड़ते अगर चेहरे पर मुहासे हो रहे हो तो टूथपेस्ट आपको इनसे निजात दिला सकता है बस रात को मुहासों पर टूथपेस्ट लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर धो लें ले त्वचा तो अच्छा के अतिरिक्त तेल को सोख लेगा और मुहासे सूख जाएंगे कपड़े पर लिपस्टिक या स्याही के दाग लग जाने पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बस दाग लगने वाली जगह पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर रखें और धो लें इससे दाग पूरी तरह से चला जाएगा अगर कांच की टेबल पर चाय के कप रखने से निशान बन गए हैं तो उन्हें मिटाने के लिए टूथपेस्ट का प्रयोग करें। निशान तुरंत साफ हो जाएंगे टूथपेस्ट आपकी सुंदरता को बढ़ाने में भी सहायता करता है इसे नींबू के साथ मिलाकर फेस पैक की तरह लगाने पर त्वचा गोरी होती है इसके अलावा झुलसी हुई त्वचा झुरिया और डार्क सर्कल्स को मिटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है अगर आपके गहने काले पड़ गए हैं और आप उन्हें चमकाना चाहते हैं तो टूथपेस्ट का प्रयोग करें यह आपके गहनों को साफ कर एकदम चमका देगा हीरे के गहनों की चमक में भी ये इजाफा करेगा दूध के बर्तनों में से महक हटानी हो या बच्चों की दूध की बॉटल को साफ करना हो तो आप उस बर्तन में थोड़ा सा टूथपेस्ट घुला हुआ पानी डालकर खंगाल लें इससे बर्तन में से दूध की महक चली जाएगी घरों में अगर बच्चों ने दीवारों पर कलाकारी कर दी है तब भी टूथपेस्ट लगा आप उन धब्बों को साफ कर सकते हैं इससे दीवार का रंग भी हल्का नहीं पड़ेगा अगर आप मेनिक्योर या पैजिक्योर के लिए पार्लर नहीं जाना चाहते तो घर पर ही टूथपेस्ट का उपयोग कर मेनिक्योर व पैजिक्योर कर सकते हैं इसके लिए पानी में टूथपेस्ट को घोलकर प्रयोग किया जा सकता है